उत्तराखंड में मॉनसून के समय में नदी और नाले किस तरह रौद्र रूप दिखाते हैं, इसकी तस्वीरें अमूमन सामने आती रहती हैं। अब एक तस्वीर चंपावत से सामने आई, जहां गांव के लोग जान हथेली पर लेकर बल्लियों के सहारे नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बारिश के मौसम में बडोली गांव के लोगों के लिए आफत बनकर आती है। गांव के लोग जान हथेली पर लेकर बल्लियों के सहारे नदी को पार करके तहसील मुख्यालय, बाजार या स्कूल और साथ ही अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। यहां पर ग्रामीणों की जो समस्या है वो आज की नहीं बल्कि कई सालों से है। व्यवस्था अभी तक इनके लिए नहीं की गई। इसी तरह बल्लियों के सहारे नदी को पार करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए खुद ही एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लकड़ी की बल्लियां डालकर आवाजाही करने के लिए रास्ता बना लिया, जो खतरे से खाली नहीं, थोड़ी सी चूक हुई तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। गांव के लोग 5 मीटर लंबी बल्लियों के सहारे नदी पार करके अपने जीवन की डोर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां के प्रधान का कहना है कि बारिश के समय में गांव को काफी नुकसान होता है। गांव में रह रहे 500 से ज्यादा की आबादी को काफी दिक्कतें सामने आती हैं। यहां सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। सदियों पहले बनाया गया पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया, इससे अब आवाजाही मुश्किल हो गई है। बता दें कि यहाँ गांव में रहने वाले 200 परिवारों के करीब 400 लोग हर रोज आवाजाही करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा स्कूली बच्चों के लिए है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अब जल्द ही रास्ते को ठीक करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजमारी।